नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं हम विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसकी ट्रिक है, अरे बात सही है, डी के ईंटा काफ़ी है। ये आपको याद कर लेनी है ये लाइन। इसमें अब इसका विश्लेषण देखते हैं। अरे में जो आ लिख रहा है इससे ए हो जाएगा और रेस हो जाएगा रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बात में बीस हो जाएगा, बास हो जाएगा बी, और तेस हो जाएगा थाइमिन, मतलब विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन। इसके बाद है सही, सही में हो जाएगा सा से हो जाएगा सी, और ई से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, ये साइलेंट रहेगा। इसके बाद है डी के, डी के में डी से तो हो रहा है डी, लेकिन कैसे हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और ईटा में हम याद करेंगे ई से ई हो जाएगा, और टा से हो जाएगा टोकोफेरोल, मतलब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। काफ़ी में का से हो जाएगा के, और फी से हो जाएगा फ्लिक्विनोन, मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन है। इसमें ई आर है भी साइलेंट ही है, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। इसके बाद देखते हैं हम बसा में घुलनशील विटामिन। इसके लिए हमें एक बार याद करना कीड़ा, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, हम अपने खुद भी तरीका बना सकते हैं उसके लिए। के ई डी ए, कीड़ा का मतलब के ई डी ए। ये के ई डी ए ये विटामिन है, ये बसा में घुलनशील है। इसके अलावा जो बचे हैं बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग। ये उसी क्रम में है और वही विटामिन है जो अभी हमने जिनके रासायनिक नाम याद करे हैं ए बी सी डी ई के, और क्रम भी वही है। इनकी कमी से होने वाले रोग, इसकी ट्रिक है रवे सारे बहाँ पर हैं। इनकी दो ट्रिक है मेरे पास इसकी, एक तो यही है रवे सारे बहाँ पर हैं, एक रवि सर बहाँ थक गए। जो भी आपको अच्छी लगे उससे याद कर सकते हैं। अब इसे देखते हैं हम कैसे याद करते हैं। इससे रवे में रा से हो जाएगा रतौंधी, और सारे में सा से हो जाएगा, ओ सॉरी, रवे में रा से हो जाएगा रतौंधी, वे से हो जाएगा बेरी बेरी, और सारे में सा से हो जाएगा स्कर्वी, और ऐसे हो जाएगा रिकेट्स, और बहाँ में वहाँ से हो जाएगा बांझपन। ये एक रोग होता है बांझपन। और पर से हम इसे याद करेंगे रक्त का थक्का ना बनना। वैसे ज़्यादा मैच कर नहीं रहा है इसमें, लेकिन इस वाली ट्रिक से मैच कर जाएगा ये। रवि सर वहाँ थक गए, इसमें थक से हो जाएगा थक्का बनना, थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके बाय दोस्तों।